इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है आपके फ्लिपकार्ट पर, वहाँ पर लिखा हुआ आता है वी आर अनेबल टू प्लेस योर ऑर्डर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो ये किन किन रीजंस की वजह से आता है, क्यों आता है, क्या रीज़न है इसका आने का, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए एक्चुअली में ये आता क्यों है। देखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट मंगाए तो सबसे पहले उसकी एक चीज़ चेक करिएगा कि उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है। अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका साइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह, फुटवेयर वगैरह, क्लोथ्स वगैरह होती हैं, उनको आप सिलेक्ट करते हैं, बट वो रिसेंटली एकदम कोई ख़रीद लेता है और आप वो करते हैं, तो वो इस वजह से पहले से नहीं हो पाती। सबसे पहला रीज़न यहाँ पर ये है, एंड और भी रीज़न है कई बहुत सारे जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, सभी के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप एक एक करके नोटिस करिएगा। अब यहाँ पर आप बार बार पेमेंट भी करते हैं, जैसे कि ऑर्डर बुक कर दिया आपने, पेमेंट करते हैं, बार बार कैंसिल हो जाती है, तो उस सिचुएशन भी इस तरीके से एरर जो है ये आ सकता है, आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता। तो एक दफ़ा आप एप्लीकेशन को काट कर दोबारा स्टार्ट करिएगा एंड तब प्रोसेस करिएगा। आप एक ही दफ़े में अपने जो है प्रोडक्ट को बुक करिएगा, जो भी है उसको जो है मंगाइएगा। बाकी अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ज़्यादा ये आता है रीज़न यही है आने का। एंड जब आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं तो ये चांसेस बहुत कम रहते हैं इसके आने के, बट उसमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और उस सिचुएशन में जब आपको ये ऐसे दिखाए तो प्ले स्टोर में जाइएगा, और फ्लिपकार्ट में अगर आपका अपडेट आ रहा हो तो सिंपली आपको अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी फिर वो सॉल्व हो सकती है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।